एक मैं हूँ आजाद चाय वाला। मेरी काफी अरसे से एक सोच जा रही थी जो मैंने एक तजर्बा करना था। आज मैं पार्क में हूँ, रोशनी भी है, ये भाईजान उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं पार्क को रोशन करने के लिए। तो वो तजर्बा ये था कि यहाँ पे एक फिश फार्म है, यहाँ पे मछलियाँ हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि यहाँ पे अगर आपको मैं ये कैमरा ले लूँ, आप देखते हो हर बंदा हर जानता है कि रोशनी के आगे पीछे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी काफ़ी वीरान जगह, वीरान हो शहर हो हमारे कीड़े होते हैं। क्यों नहीं ऐसी लाइट करीब लेके जाएं हम अपना पानी के, और जो कीड़े जब इसके अपना वो इसकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो पानी में गिर के इनकी खुराक बन जाए। अगर यहाँ पे लाइट लगी हो, ये तजर्बा कर रहा हूँ, अगर मेरे पास वक्त होता, अगर मेरे पास और दिन होते पाकिस्तान में, मैं एक और क्या तजर्बा करता जो मेरा दिल में है कि लाइट पानी के नीचे होनी चाहिए। यानी कम से कम अगर आप कर सकते हो 6 इंच 1 फुट पानी के नीचे रखो, और फिर देखो कि उसमें जो कीड़े आते हैं, जो उनके उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, वो पानी को लगे, पानी में लगेंगे, फिर वो उड़ नहीं सकते जिस तरह ये गट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ही मरेंगे, ये प्रोटीन है, ये मछली खाएगी, वो गोश्त बन जाएगी। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ ना ये क्रिस्प हैं कुरकुरे वो डाले हैं। क्यों डाले ये भाईजान, आप क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहा था कुछ नहीं डालना अभी। अच्छा भाईजान ने गलती से फिर डाल दिए। मैं क्या चाह रहा था कि कुरकुरे के बहाने यहाँ पे आएंगी, इकट्ठी होंगी, और फिर ना इनको आदत पड़ जाएगी ये कीड़े मकोड़े खाने की। कुरकुरे ये इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये भूखी हैं, इनको नेचुरली यहाँ पे खुराक कुछ नहीं मिलती। लेकिन आप ये देखिए आ गई हैं। अब लाइट हम थोड़ी नीचे करते हैं देखने के लिए ये और कीड़े यहाँ पे जाते हैं, और क्या ये कीड़ों को खाती हैं कि नहीं। ये बात नहीं है कि क्या ये खाती हैं, ज़रूर लाजम खाएंगी। मेरे पास ये लिमिटेड टाइम है आपको ये तजर्बा दिखाने का। लेकिन अगर आप कोई फिश फार्म चला रहे हो या आपका शौक है, ये मुफ्त की खुराक आपको मिलेगी। कोई बल्ब पानी के बिल्कुल करीब ले आओ या पानी के नीचे रख दो बेशक। अगर हम इसको उल्टा करेंगे ना, तो आप देखेंगे हजारों लाखों इसमें कीड़े आएंगे। फिलहाल शायद ये बाकी कीड़े वो उस तरफ देखिए, आप देखिए कितना करोड़ों कीड़े उस एक लाइट के ऊपर है। अब कुछ क्या करना है आपको, यही लाइट उल्टी करेंगे हम। उल्टी करें, उल्टी कीजिए भाईजान, भाईजान उल्टी करें। तो लाखों कीड़े आते हैं, ये देखें। करना क्या है कि ये लाइट पानी के नीचे लेके जानी है आपको, वाटर प्रूफ लाइट चाहिए। सीधी करें, ठीक है। आप बेशक उल्टी कर दें, ये मैंने आप पानी के करीब लेके जा सकते हैं, नीचे ले जाए, नीचे। ये देखते हैं हजारों कीड़े, ये कितने कीड़े इसमें गिरे हैं, और ये खाएंगी लाजम मछलियाँ खाएंगी। और आप अगर पूरी, अगर ये सोलर पैनल पे चल रही है या माकूल सी छोटी सी बैटरी पे चल रही है, पूरी रात ये इनकी मुफ्त की खुराक है। किलो एक एक लाइट कहेंगे किलो आपके लिए पैदा करेगी एक्स्ट्रा गोश्त प्रोटीन आपकी मछलियों के लिए, ठीक है। ये तजर्बा था। अब जाहिर मेरे आगे पीछे थोड़ा हजूम इकट्ठा हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू, मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। एंड ये लॉन्ग टर्म थोड़ी रिसर्च करनी है, कौन सी लाइट अच्छी है, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, ये वाली, उसका स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन ज़रूर ये कोशिश कीजिएगा कि पानी के नीचे जाए, क्योंकि पानी के नीचे आएगी जो कीड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, पानी में डूब के मर जाएगा और ये अपना फंस जाएगा और ये मछलियाँ खाएंगी, ठीक है। मैं हूँ आजाद चाय वाला, आई होप कि आपको ये तजर्बा पसंद आया, एंड आपको आप इसका अपना मजीद कुछ ना कुछ निकालेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो फिर थोड़ी आई थिंक थोड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कीड़े तो इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी रहेगी कि इसको वाटर प्रूफ लाना, 3 दिन रह गए। आई विल ट्राई टू एक्चुअली डू माई एक्सपेरिमेंट एंड काइंड ऑफ पुट इट अंडर वाटर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूं आजाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको खाते हुए, सो दिस एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली वर्क्स। वो जहाज नहीं होता चार पड़ों वाला, वो भी अभी गिरा, उसमें मैंने नजर रखी हुई है। ये कछोपड़ा होता है वो आया हुआ, ये देखिए मुँह निकाला बार बार ये, तो इसकी वजह से सर जो मछलियाँ ना वो डर के भाग गई हैं। लेकिन अदरवाइज सांप है, ये कछोपड़ा है, ऑब्वियसली मुझे शक पड़ता है कछोपड़ा है, हाँ कछोपड़ा, कछोपड़ा कछुआ कछुआ। लेकिन ये डेफिनेटली काम करता है 100%, मैं आपको गारंटी देता हूँ इट वर्क्स। मैंने अपनी आंखों से आप मछलियों को देख लिया, सबको बोला था खामोश हो जाएं एंड खा रही हैं, क्योंकि हमने कुरकुरे निकाल दिए थे। सो माशाल्लाह इट वर्क्स। आपको बस अडॉप्ट क्या करना है, सस्ती सस्ती लाइट पानी के जितने करीब लेके जा सकते हो, उसका रुख नीचे हो, ताकि ये देखो उसको क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं, मकरा त्रिडी, यार उर्दू पंजाबी में त्रिडी बोलते हैं, त्रिडी देख लो, त्रिडी वो खा गई, त्रिडी को उसने मुंह मारा है फिर छूट गया, वो खाने वाली ए बस खा जाएगी, खा ए उसको 2 बार उसने मुंह खा गई है, कोशिश कर, ठीक है। और वो थी छोटी सी प्रोटीन, प्रोटीन खाएंगी फटाफट बड़ी होंगी, फटाफट आप मुनाफा कमा सकोगे। एब्सोल्युटली हैप्पी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये अपडेट है, मैंने वाम को भगा दिया, अब देखो यार फिर लोग अच्छे हो गए, ये मछलियाँ खा रही हैं,
दरा दर खा रही हैं हैं। जब आया था बहुत ही डर के भाग गई हैं। ओके दिस डेफिनेटली वर्क्स, ये तजर्बा एब्सोल्युटली कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। एंड अगर आप फिश फार्म चला रहे हो ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, सस्ती से सस्ती लाइट मिल जाती है, उसको वाटरप्रूफ करना है, पानी के नीचे लग जाना, अब सारी भाग गई हैं। क्यों मैं यहाँ पे आऊँ, मैं जैसे ही दूर खड़ा हुआ था सब यहाँ थी माशाल्लाह, कीड़े भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि हमने लाइट थोड़ी दूर कर दी है। अगर ये और इस लाइट का स्पेक्ट्रम बड़ा बुरा है, अजीब सा है, हर रंग को नीले को ये सुरख ब्राउन कर रही है, नहीं रेड को ये ब्राउन कर रही है, हर कपड़े को मुख्तलिफ रंग कर रही है, अजीब सी है। ये क्रिकेट खेलने के लिए लगाई होती है, हमने पार्क पे रेंट की हुई थी लगाई थी। पर एनीवे यही कहना था, इसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, 4 साल हो गए मुझे बक बक करते हुए कि यार तजर्बा करो तजर्बा करो तजर्बा करो, आज खुद आया मैंने कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे वहाँ फिर पीछे खड़ी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।